हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी बाई प्रोफेसर एस के सिन्हा हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप के सब अच्छे होंगे तो स्टूडेंट्स एम आई एस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दॉपिक डायरेक्शन डायरेवेटिव एंडिटेंडेड के एंड ऑल दीज क्वेश्चन आर रिलेटेड टू दैप्टर वैक्टर कैलकुलस ओके पहले मैं आपको चैप्टर वैक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट यूनिट एंडर नॉर्मल टू द लेवल सर्फेस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वैक्टर्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डी आर वैक्टर अपॉन डी टी और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है तो रिविजन के लिए आप मेरे चैनल एम आई इंडिया पर जाके देख सकते हैं ओके तो स्टूडेंट्स आज मैं फिर चैप्टर वैक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी टॉपिक डायरेक्शन डेरिवेटिव एंड यूनिट यूटेंजेंट वैक्टर बट बिफोर स्टार्टिंग दिज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेलाइकन ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे मैं प्रोफेसर एस के सिन्हा एम आई एस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक डायरेक्शनल डेरेविटिव ओके तो क्वेश्चन नंबर वन है कैलकुलेट दी एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू दरफेस एक्स वाई इजिक्वल टू जेड स्क्वेर एट दी पॉइंट फोर वन टू एंड थ्री थ्री माइनस थ्री

And del phi is equal to unit vector i curly phi by curly x plus j curly phi upon curly y plus unit vector k curly phi by curly z. Take students, this is your del phi and find its derivative, and this is equal to when we find its derivative partially with respect to x, then you have y unit vector i with respect to y. प्लस एक्स यूनिट वैक्टर जे और विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस टू जेड यूनिट वैक्टर के ठीक है स्टूडेंट्स जी आप और नाउ लेट एन वन वैक्टर इज इक्वल टू डेल फाई एट पॉइंट फोर वन टू ठीक है स्टूडेंट्स एंड दिस इज इक्वल टू अगर मैं स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहां पुट करूं ठीक है ना इनका मतलब है इसका कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस यहाँ पे जो सरफेस गिवन है वो ये गिवन है लेकिन इस सरफेस के लिए जो पॉइंट्स गिवन है वो दो पॉइंट्स गिवन है फोर वन टू और थ्री थ्री माइनस थ्री ठीक है ना तो सबसे पहले मैंने लिया है कि लेट एन वन वैक्टर एक एन वन वैक्टर ले लिया जो कि किस पे है सरफेस ऑफ द दिस इज डेल्फाई एट पॉइंट फोर वन टू तो अगर मैं ये जो डेल्फाई हमने निकाला है अगर मैं यहाँ पे ये यह पॉइंट फोर वन टू यहाँ पुट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक्स के वैल्यू है फोर वाई की है वन तो यहाँ ये यह हो जाएगा यूनिट वैक्टर आई और प्लस फोर जे और जेड टू यानी कि माइनस फोर यूनिट वैक्टर के ठीक है स्टूडेंट्स एक तो ये आ गया इन द सेम वे एन टू वैक्टर इज इक्वल टू सेम डेल पे और पॉइंट इसके लिए डिफरेंट हैं जो कि क्या है थ्री थ्री माइनस थ्री ठीक है ना एंड दिस इज इक्वल टू तो थ्री थ्री पे लेते ले ले हैं एक्स जिगोडर आई प्लस थ्री जे और जेड प्लस सिक्स यूनिट वैक्टर के ठीक है स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया तो सिंस दिस सरफेस या सिंस दैक्टर्स एनोन वैक्टर एंड n2 vector वेक्टर आर अलोंग नॉर्मल टू surface आर अलोंग नॉर्मल टू द surface एट फोर वन टू एंड थ्री थ्री माइनस थ्री ठीक है स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स पे है ये सो so, इसी तरह से अगर हमारा थ्रीटा है तो इफ थ्रीटा राइट प्लीज इफ थ्रीटा इज द एंगल इज द एंगल बिटवीन दीज वैक्टर्स यानी के एन वन वैक्टर और एन टू वैक्टर्स देन थीटा इज इक्वल टू देखी स्टूडेंट्स फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन भी इसी तरह के मैंने दो तीन क्वेश्चन आपको और ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं ठीक है ना तो एन वन वैक्टर इन टू एन टू वैक्टर डिवाइड बाई एन वन वैक्टर इट्स मैग्नीट्यूड एंड दिस इज इक्वल टू वट इज योर एन वन वैक्टर सो हेयर योर एन वन वैक्टर दिस इज योर यूनिट वैक्टर आई प्लस फोर जे माइनस फोर के देखी स्टूडेंट्स ठीक है ना और इन टू एन टू वैक्टर 3i plus 3j plus 6 unit vector k and divide by their magnitude under root of 1 plus 16 plus 16 and under root of 9 plus 9 plus 36 okay students and this is equal to after multiply then you have to get 3 plus 12 or -24 divided by under root of 33

ये मैं यहां लिख देता हूं इसको जो थीटा आपके पास आया है ये आपके पास आया दिस इंप्लाई डेट थीटा इज इक्वल टू कोर्स इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट ट्वेंटी टू ये देखिए ठीक है दिस इज योर आंसर ओके तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कैलकुलेट द एंगल तो आपने बस इतना ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो एंगल आपने फाइंड आउट करना है वो सरफेस आपके पास एक है और जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो अलग अलग हैं एट पॉइंट फोर वन टू एट एट पॉइंट थ्री जो कि आपका आंसर आ गया है इनवर्स अपॉन अंडर रूट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट ए बी सी अब यहां पे ये भी क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव से रिलेटेड है कि फाइंड वैल्यू

तो कैसे करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप आप इस क्वेश्चन को करते हैं देखिए नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू हेयर फाइव जो गिवन है वो है ए एक्स वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वेयर एक्स क्यूब ठीक है स्टूडेंट्स ये है सो देर फोर डेल फाइव फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां निकाल लेता हूं सबसे पहले नाउ डेल फाइव डेल फाइव इज इक्वल टू देर फोर यूनिट फैक्टर आई करली फाइव वाई करली एक्स प्लस जे करली फाइव अपॉन करली फाइव अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली ली फाइव आई जेड ओके तो अब यहां पे इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं दिस इज इक्वल टू ए वाई स्क्र विद रिस्पेक्ट टू एक्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पे प्लस थ्री सी जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर यूनिट वेक्टर आई और विद रिस्पेक्ट टू वाई में प्लस टू ए एक्स वाई और यहां पे प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर z और प्लस विद रिस्पेक्ट टू z तो विद रिस्पेक्ट टू z बी वाई प्लस टू सी जेड एक्स क्यूब यूनिट वैक्टर के ये ठीक है तो अब यहाँ ये पॉइंट हम पुट कर लेते हैं हाँ जी तो ये पॉइंट हम यहां पुट करेंगे जो पॉइंट्स आपको गिवन है वन टू माइनस वन ठीक है तो वन टू माइनस वन पे ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे देखिए दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एट पॉइंट वन टू माइनस वन तो एट वन पॉइंट माइनस वन दिस इज यूर फोर ए यहां देखिए वेन एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू टू एंड जेड इज इक्वल टू माइनस वन तो ये हो जाएगा फोर ए प्लस थ्री सी यूनिट वैक्टर आई प्लस ये दिस इज यू आर फोर ए और माइनस बी बिकॉज दिस इज इक्वल टू जेड इज माइनस वन क्टर जे प्लस टू बी माइनस टू सी यूनिट वैक्टर के एट पॉइंट एट पॉइंट जो पॉइंट आपको गिवन है वन टू माइनस वन ठीक है स्टूडेंट्स सो नाओ द डायरेक्शनल डायरिवेटिव ऑफ फाइव नाओ द डायरेक्शनल डायरिवेटिव ऑफ फाइव is maximum in the direction in the direction of the normal to the given surface normal to the given surface that is in the direction of द डायरेक्शन ऑफ डेल फाइव ठीक है स्टूडेंट्स तो जो आपके पास ये फाइव है जो क्या मैक्सिमम है इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन सरफेस जो सरफेस आपको गिवेन एक्स वाई स्क्वेयर इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाइव दिस डेल फाइ ओके बट वी आर गिवन डेट बट वी आर गिवन डैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव द डायरेक्शनल डेरीवेटिव ऑफ फाई द डायरेक्शनल डेरीवेटिव ऑफ फाई इज मैक्सिम इज मैक्सीम इन द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन पैरलर टू पैरलर टू जेड एक्सिस पैरलर टू जेड एक्सिस जो कि ऑलरेडी गिवन है डेट इज पैर टू यूनिट वेक्टर के इसका मतलब ये हुआ तो हेंस हेंस हैं कोफिशियंट ऑफ आई जे एंड के जीरो हो जाएंगे हेंस द कोफिशियंट ऑफ ऑन जेड एक्सिस ओके हेंस द कोफिशियंट ऑफ यूनिट वेक्टर आई एंड जे इन Delphi should be zero, should be zero, and the coefficient of and the coefficient of unit vector k positive. Okay, so thus. फोर ए प्लस ये ये तो देखिए ये जो i और j जीरो हो जाएंगे तो बट ये क्या है फोर ए प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन और ये स्टूडेंट्स है फोर ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो आपके होगी इक्वेशन नंबर टू ठीक है स्टूडेंट्स देन डेल इज इक्वल टू चलिए इसको बाद नेक्स्ट जो है देन डेल फाई के जो पॉइंट्स हैं यानी कि देन डेल इज इक्वल टू देन डेल फाइव इज इक्वल टू जो इसी के जो हमारे पास जो पॉइंट थे टू बी माइनस टू सी टू बी माइनस टू सी कैसे है ये ग्रेटर देन जीरो दैट इज बी ग्रेटर देन सी ओके तो बी ग्रेटर देन सी इट मीनस दिस इज योअर इक्वेशन नंबर थ्री एंड टू बी माइनस टू बी मैंने टू मैंने टू बी माइनस सी इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जो कि गिवन है आपके किस इंप्लाइड सी इज इक्वल टू सिक्सटी फोर एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू थर्टी टू ठीक है ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फोर ठीक है स्टूडेंट तो चलिए सोल्विंग इक्वेशन नंबर वन टू एंड फोर ओके सोल्विंग इक्वेशन नंबर सोल्विंग इक्वेशन नंबर वन टू एंड इक्वेशन नंबर फोर ठीक है स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर वन टू को सोल्व करेंगे तो यहां से जब हम इक्वेशन नंबर वन टू और फोर को सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज जा आ जा जाएगी सोल्व कर लेना प्लीज ट्राई योरसेल्फ तो ए की जो वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर वन टू और फोर को सोल्व करने के बाद ए इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू माइनस एट ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे एज इक्वल टू सिक्स बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर एंड सी इज इक्वल टू माइनस एट आफ्टर सोल्विंग द इक्वेशन नंबर वन टू एंड इक्वेशन नंबर फोर दिस इज इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री सो आफ्टर सोल्विंग देन यू हैव टू गेट एजल टू सिक्स बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर एंड सी इज इक्वल टू माइनस एट ओके ओके okay. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू ओके तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्शन डेरिवेटिव बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं ओके okay. और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली ओके okay, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए साथ में कमेंट कीजिए शेयर कीजिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल थ्योरम्स इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट